वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। स्वागत है आपका एस्ट्रो मनीष पंडित चैनल में। भगवान के ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में दिखते हैं ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए आगे चलते हैं। सो जी कहने लगे, ऋषियों अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। तुमने प्रश्न किया कि दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है भगवान का। एक बार की बात है जब कार्तिक स्वामी जो तारकासुर के संहारक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर काट कर जब भगवान शंकर और माँ पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए, तो उस समय वहाँ पर गणेश जी के विवाह की चर्चा सुनी और किसी कारण से नाराज होकर वहाँ से वो चले गए। और पुत्र स्नेह के कारण भगवान शंकर और माँ पार्वती भी उनके दर्शन के लिए पीछे पीछे चले गए। नियम बना लिया पुत्र स्नेह के कारण मिलने के लिए, हर अमावस्या को भगवान शंकर जाते और पूर्णिमा को माँ पार्वती जाती। पुत्र स्नेह का ऐसा परिणाम हुआ कि भगवान शिवलिंग के रूप में वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। मल्लिकार्जुन का अर्थ है, मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती, और अर्जुन का अर्थ है जो शिव का वाचक हो। यही ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में विख्यात हुआ, जो मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है, जिसका सिर्फ दर्शन करने मात्र से व्यक्ति बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाता है और जो चाहे भगवान से मांग कर प्राप्त कर सकता है। इनका दर्शन सौभाग्य को देने वाला है, समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इन्हीं मल्लिकार्जुन भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में मैंने आदित्य ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताया। अगर आगे भी आप कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल अभी नया है, थोड़ा समय लगेगा कि मैं आपके बीच में आ पाऊँ, इसलिए आपसे अनुरोध है अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।